हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है सर दर्द। दोस्तों, सर दर्द से लगभग हम सभी परेशान हैं। इसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। किसी को माइग्रेन की वजह से सर दर्द हो सकता है, किसी को गैस की वजह से सर दर्द हो सकता है, किसी को टेंशन की वजह से सर दर्द हो सकता है। रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन परेशान लगभग हम सभी हैं इस चीज़ से। दोस्तों मैं भी काफ़ी परेशान था। लगभग महीने में 10 से 12 दिन इसी चीज़ में निकल जाते थे। मैंने अंग्रेजी दवाइयाँ भी काफ़ी ली हैं। मैंने उस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए मैंने होम्योपैथिक भी स्टार्ट किया। मुझे ये चीज़ बताई किसी ने, मैंने ये यूज़ की है। लगभग मुझे एक महीना हो गया अभी, तो अभी तक मुझे सर दर्द से लेके अभी कोई परेशानी नहीं हुई है। तो ये मुझ पर इसका असर हुआ इस चीज़ का, तो मैंने सोचा क्यों ना ये आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। क्योंकि ये चीज़ जिन्होंने मुझे बताई उन्हें भी किसी और ने बताई थी, उन्होंने मुझे बताई, मुझे आराम हुआ, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। दोस्तों, अगर आपको भी आराम होता है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर ये वीडियो शेयर करेंगे, जिससे आपके दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बाकी लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा मिले। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको चाहिए 50 ग्राम पोषत। दोस्तों, इसको खसखस भी कहते हैं, पोषत भी कहते हैं। अब उसके बाद आपको चाहिए 50 ग्राम बादाम, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए गेहूं। ये आपको जो सामग्री है 3 दिन के लिए चाहिए होगी। तो ये 50 ग्राम पोषत को आपको 3 भागों में डिवाइड करना है, बादाम को भी आपको 3 भागों में डिवाइड करना है, गेहूं की आप जितना आप खा सकते हैं, जितना इसका बनेगा तो उस हिसाब से ले सकते हैं। नॉर्मली 1 कटोरी काफ़ी रहती है, तो इस हिसाब से आप 3 कटोरी ले लीजिए 3 दिन के हिसाब से। आप इसके लिए हमें घी चाहिएगा। दोस्तों, डब्बे वाला घी नहीं चलेगा, आपको इसके लिए देसी घी चाहिए। अब वो गाय का रहे तो सबसे बेटर है, अगर गाय का नहीं है तो भैंस का भी चलेगा, लेकिन देसी घी होना चाहिए। उसके बाद आपको आपके स्वाद के अनुसार शुगर चाहिए, चीनी। चलिए अब बताते हैं आपको करना क्या है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पोषत को, 50 ग्राम पोषत को 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद जो 50 ग्राम बादाम है उनको आप 3 भागों में डिवाइड कर लीजिए। ये आपके पास 3 कटोरी हैं, तो 1 कटोरी को आपको रात को भिगो देना है। ये मैंने ऑलरेडी ये भिगो रखे हैं। उसके बाद आपके पास रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये घी हो गया, देसी घी। ये आपके पास शुगर हो गई, ये आपका 3 दिन का रहेगा इसमें। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इसके बनाने की विधि बताता हूँ। आप इस भीगे हुए गेहूं का पानी निकाल दीजिए। निकालने के बाद आपको इसको पीसना है। आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हैं। मिक्सी में डाल के आप थोड़ा उसमें पानी डालिए और उसके बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद इसको आपको सूती कपड़े में छानना है। दोस्तों, ये हमने मिक्सी में डाल दिए हैं। आप इसमें आप पानी भी डाल दीजिए, ताकि ईजिली इसमें हम इसको पीस सकें। ये अगर वन टाइम में नहीं हो रहे हैं तो आप 2 बार में या 3 बार में इनको पीस सकते हैं। दोस्तों, ये मैंने जो भी इसके सामग्री थी इसको मैंने डिवाइड कर लिया है, क्या क्या हमें इसको करना था। जैसा गेहूं मैंने बताया था आपको पीसने के लिए, गेहूं को पीसने के बाद मैंने इसको सूती कपड़े में से छाना है। ये देखिए लिक्विड फॉर्म में है, तो आप भी उसको मिक्सी में पीसने के बाद उसको छान लीजिए। उसमें पानी थोड़ा डाल लीजिएगा, क्योंकि वैसे वो उसमें से आ नहीं पाएगा। ये पोषक का थर्ड पार्ट है, यानी 50 ग्राम का तीसरा हिस्सा है ये, मैंने डिवाइड किया है। ये भी बादाम का थर्ड पार्ट है, जो 50 ग्राम बादाम थे उसका थर्ड पार्ट है, उसको मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अब इसको आपको खाना कैसे है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, वो हम आपको बनाने के बाद बताएंगे। ये इसमें हम अभी घी डाल रहे हैं। गर्म होने के बाद आप इसमें जो हमने गेहूँ को जो पीसा था वो इसमें डाल दीजिए। दोस्तों, इसको आप कंटिन्यू इसमें इसको चलाते रहिएगा, क्योंकि अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये इसमें नीचे इस पर ये जलने लगेगा, इस पर लग जाएगा। कंटिन्यू आप चलाएंगे तो जो लिक्विड था वो आप देखिए सॉलिड फॉर्म में हो गया है। अभी इसमें हम डालते हैं खसखस।
देख रहे हैं आप, इसका रंग हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे बादाम। ये बादाम इसमें डाल दिया हमने। अब बादाम डालने के बाद इसको हम 5 5 7 मिनट फिर अच्छे से इसको पकाएंगे। अब हम इसमें डालते हैं शुगर। ये शुगर हम हमारे टेस्ट के अनुसार डालेंगे, इसका कोई मापदंड नहीं है, जितना आपको अच्छा लगे। दोस्तों इसको आप अच्छे से चलाते रहिएगा, क्योंकि ये नीचे इसका लगने का डर रहता है। आप इसमें देख रहे हैं जैसे इसमें भी नीचे लग गया है, नॉन स्टिकी होने के बाद भी इसमें नीचे लग गया है ये। और शुगर डालने के बाद देखिए इसका कलर अब काफ़ी चेंज हो गया है। अब शुगर डालने के बाद फिर से दोबारा हम इसको लगभग 5 मिनट तक फिर पकाएंगे इसको। और जो शुगर का जो पानी है वो लगभग इसमें पूरा कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद हम इसको हटा लेंगे यहाँ से। दोस्तों अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है, ये बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसको यहाँ से हटा लेते हैं। दोस्तों अब हमारा पोषत का हलवा बनके तैयार है। आप ये देख सकते हैं, इसमें ये जो क्वांटिटी है ये हमने जो डिवाइड किया था, 50 ग्राम पोषत को हमने 3 भाग में डिवाइड किया था, बादाम को हमने 3 भाग में डिवाइड किया था, ये उस तीसरे हिस्से का पार्ट है। ऐसे आपको डेली 3 दिन तक लगातार आपको ये बनाना है, और 50 ग्राम पोषक को आपको 3 दिन में ख़त्म करना है। ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है, कंप्लीट आपको खुद को ख़त्म करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इसके खाने का तरीका क्या है। दोस्तों इसके खाने का सबसे मेन ये, सुबह आप उठिए, नित्य कर्म अपने जो भी हैं वो कीजिए, करने के बाद खाली पेट आपको ये खाना है, खाली पेट खाना है, और खाने के 2 घंटे तक आपको और कुछ भी नहीं खाना है। ये इस चीज़ को ध्यान रखना है, और कंटिन्यू 3 दिन तक लगातार इसे आपको खाना है। चलिए। दोस्तों ये खाने में बहुत टेस्टी होता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको खाने में कोई प्रॉब्लम आएगी। अब इससे उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी आराम मिलेगा, आपका सरदर्द सही हो जाएगा। अगर वन टाइम में आपको पूरा आराम नहीं होता है, मान लीजिए कुछ परसेंट आराम होता है आपको, तो आप इसको 1 महीने बाद दोबारा फिर बना के खा सकते हैं। लेकिन ये कन्फर्म है कि आपको 100% आपको इससे आराम मिलेगा। दोस्तों मुझे ये रेसिपी किसी ने शेयर की थी, मुझे आराम हुआ, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छी लगे, आपको आराम हो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप भी चाहेंगे कि आपके दोस्त आपके रिश्तेदारों को भी इस चीज़ से आराम मिले। इसके साथ दोस्तों धन्यवाद।